अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से है, खैरियत से है। इस टाइम ऑलमोस्ट बज चुके हैं 5:40 AM एंड आज मुझे एक लड़की शायद मेहंदी भी लगाने आ रही है, तो उन्होंने बोला था मैं सुबह 10 बजे आऊँगी ऑलमोस्ट, बिकॉज उन्होंने मुझे इंस्टा पे DM किया था कि मैं कल आऊँगी। उनका इंस्टा पे पेज है मेहंदी बाय सिरा के नाम से, वो आपको मैं आगे बोलूँगी कि उनका क्या नाम है चैनल वगैरह उस चीज़ का। तो फिलहाल तो उन्होंने यही कहा कि वो बाद में आएंगी, तो फिलहाल मैं सोचूँ कि मैं पहले रेडी वेडी हो जाती हूँ, तो मैं उसके बाद देखते हैं। वो ऑलमोस्ट हो गया 10 बजे आने वाले, अब देखते हैं कि कब तक वो आएगी, क्या करेगी, फिर मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी। तो गाइस फाइनली आ चुका है मुझे उनका कॉल, जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो अब मैं फिलहाल उनको लेने जा रही हूँ, और क्योंकि उनको रास्ता ऐसा कुछ पता नहीं है, फिलहाल उनको लेने जाने के बाद मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तो फिलहाल बाय। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो आप? अचानक से ही हो गया सारा, मुझे नहीं कोई प्लान था वरना। अच्छे के लिए होता है। हाँ, ऊपर वाले की मर्जी थी। तो चलो हम करें फिर स्टार्ट अपना काम। I know that I can't go on without you. It's hard, cause it took 5 years until I found you. Oh, I'm not gonna let you go. Oh, I'm gonna hold you close. It's hard, cause it took 5 years until I found you. जब फुल हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मैं टोटली थक गई हूँ, मतलब 1 घंटे से मैं बैठी हुई हूँ और मतलब मेरी हालत खराब हो गई है। अब जब मेहंदी कंप्लीट होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद। तो गाइस मेरी हालत हो चुकी है ख़राब, आप देख सकते हो मेरी हालत इस टाइम कितनी ख़राब हुई है, और मैं इस टाइम बोलते ना वो अजीब हालात में हूँ। और मामा ने लाई है चाय, लेकिन मैं किन हाथों से पीऊंगी मैं वो सोच रही हूँ। तो गाइस फाइनली 10:30 में बैठी हूँ मेहंदी लगाने के लिए, अभी भी थोड़े टिप्स थोड़े इनकम्प्लीट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ, मतलब यहाँ पे मैं बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग। अगर ये बातें नहीं करते तो शायद मैं बोर हो जाती। तो इस टाइम ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा मेहंदी लगाने में? 1 बज चुके हैं और अभी मतलब हमारी मेहंदी जो है वो फुली डन हो चुकी है। टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत, बिकॉज हैक्टिक होता है मेहंदी लगाना। इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना इंसान को लगता है, क्योंकि कमर टूट गई यार मेरी भी बेचारी, जिसने लगाई इसको भी बहुत एफर्ट्स लगे। काश मैं इसको ला पाती ब्लॉग में, बट मैं नहीं ला सकती हूँ। सो मुझे बोलो क्या क्या ही मैं बोलूँ। फिलहाल मैं वो टिप्स कम्प्लीट करती हूँ, तो उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो गाइज अब मेरा फाइनल लुक ये है। तो गाइस आप लोगों ने मेरी मेहंदी जो है वो देख ली होगी। तो अगर आप में से भी किसी को मेहंदी लगानी हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इनकी इंस्टाग्राम ID मैं आपको दे दूंगी, तो आप इनको फॉलो भी कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। और तो और अगर किसी को भी मेहंदी लगानी हो इनको DM करेगा इंस्टाग्राम पे, और इनका नाम है इंस्टाग्राम पे मेहंदी बाय सिरा। स्टिल मैं इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक वगैरह जो भी है। और तो और मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्होंने लगाई है, और मतलब इनकी जो मेहंदी की इस टाइम प्राइस है वो भी अच्छी, इस टाइम जेन्युइन प्राइस है। इन्होंने ब्राइडल मेहंदी जो है मुझे 2500 में ही लगाई है इस टाइम पे। तो अगर आप में से भी किसी को लगानी हो तो जरूर उनको DM कीजिएगा, वरना इनकी जो प्राइस है वो रहती है असल में 5000, बट कुछ ऑफर चल रहा है जैसे 2500। तो आप भी अपने जो है बुकिंग वगैरह कीजिएगा पहले ही, अगर किसी को भी लगानी हो तो। और तो और ये अकाउंट्स की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वैसे तो 2 ही अकाउंट्स है, बट मैं आप इनको फॉलो वगैरह कीजिएगा। तो गाइज जिसने मुझे मेहंदी लगाई तो वो तो खुद चली गई, अब मैंने सोचा कि मैं भी बाहर तक घूम के आती हूँ। एक तो मुझे अपने एक फ्रेम का ऑर्डर आया था, उसको प्रिंट आउट कराने जाना है, उसमें मैं थोड़ा सा घूम के आऊंगी और आपको भी घुमाऊंगी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं फूड सोक, एंड हम यहाँ पे हमेशा मरीना आया जाया करते हैं, बट आज हमने सोचा हम तो गैराज कैफे भी ट्राई करेंगे, तो आज हम तो गैराज में ही जाएंगे। अचानक से प्लान बना, कोई प्लान नहीं था मेरे आने का। रोज चिकन पिज्जा रेगुलर साइज वाला, और कोल्ड ड्रिंक्स दो, फ्राइड राइस 7 और फ्राइड राइस जो है वो शेजवान चिकन फ्राइड राइस और को और क्या मैंने बोला था और रेड वेलवेट पेस्ट्री। गाइस यहाँ पे मुझे लगता है एफओ, यहाँ पे तो मतलब इतना ही मैं बोलूँगी कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी आ सकता है खा सकता है। बस फाइनली जो है हमारा ऑर्डर आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, बट मैं स्टिल दिखाती हूँ एक बार।
तो गाइज मुझे लग रहा है देखिए राज कैफे भी अच्छा है जितना मतलब वो अच्छा है मरीन ड्राइव, बट मरीन ड्राइव में एक चीज़ है कि वहाँ पे थीम थोड़ी अलग है, तो वो थोड़ा साइलेंट थीम है, मुझे वो थीम ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो गाइस सब कुछ अच्छा था एंड फाइनली अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारा जो हमने खाया हुआ है सब कुछ हम निकलेंगे यहाँ से और जा रहे हैं तब घर जाएंगे, और मैंने आपको इसका अगर जगह तो टूर जरूर दूंगी मैं। तो गाइस फाइनली हम अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं, और रील्स एक दो बना ली है मैंने, पर पता नहीं मैं डालूंगी कि नहीं, मैं डालती नहीं हूँ, मुझे रील्स बनाना अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल मैंने आज कोशिश की कि मैं एक रील बनाऊँ, तो आज एक रील मैंने बनाई है जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर होगी। यहाँ पे लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं ब्लॉगिंग होता क्या है। आप डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। गाइस रास्ते में घर जाते वक्त मुझे एक चीज़ याद पड़ी है कि मेरे को प्रिंट भी निकालना था ना, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ, अंदर मेरे फ्रेंड को भेजा हूँ प्रिंट, जो उसने प्रिंट निकाल के रखा वो लाने के लिए, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा जो मेरे घर पहुँचने से काम से करती हूँ। गाइस तो मैं फाइनली अंदर आ चुकी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं भागते भागते आई हूँ, मुझे बहुत डर लगता है जब थंडर स्टॉर्म वगैरह होता है, तो मतलब जब बिजलियाँ कड़कती हैं या कुछ भी तो मुझे बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट भागते वक्त अंदर आई हूँ, मैंने बाहर कुछ भी शूट नहीं किया है। तो गाइस जैसे कि आपने मेरी लास्ट ट्रिप में देखा कि मेरी सांस फूल गई थी कि मैं दौड़ते दौड़ते अंदर आई थी, मैं बहुत डरती हूँ जैसे कि मैंने सबको कहा, एंड मैंने मेहंदी वहंदी भी उठाई है, तो मेहंदी ऐसी लग रही है फिलहाल के लिए, अब देखते हैं कि सुबह तक कैसा कलर आएगा, एंड और पता नहीं मौसम को भी क्या हो गया, इन दिनों तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा है। अब मैं दुआ करती हूँ कि मतलब आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं भी करूँगी कि मतलब मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं और व्लॉग्स में मुझे लगता है आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर पर इंसान क्या दिखाएगा हर रोज़, एंड इंशाल्लाह मेरा व्लॉग जो अगला वो भी जल्दी ही आएगा, तो स्टे ट्यून्ड, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब कुछ कीजिएगा, मेरा डायलॉग एज यूजुअल है ना, और मुझे बोलेगा मेरी मेहंदी का कलर कैसा है, तो फिलहाल का तो कल देखते कल तक कैसा आएगा।